सो so, नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम नीटी इन टेन माई नेम इज इजन कुमार शर्मा एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोफेस हम लोग अभी माइटोसिस के अंदर एंटर करने वाले हैं सो so, इंटरफेस हम लोग पढ़ चुके हैं एंड माइटोसिस में देर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स द फर्स्ट वन इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस एंड द सेकंड वन इज द डिवीजन ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस तो हम लोग अभी कैरियोकाइनेसिस के अंदर एंटर करने वाले हैं टू नो कि आखिर न्यूक्लियर डिवीजन के कौन से चार फेजेस हैं और उन चारों फेजेस में आखिर होता क्या है तो हर साल इन चारों में से एक फेजेस पे क्वेश्चन यू नो हमेशा आता है और मार्क्स का काम आपका यहां से कंप्लीट हो जाएगा तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को देखें और अच्छे से इन कॉन्सेप्ट को समझें राइट सो लेट्स प्रोसीड एंड लेट्स क्रैक इट दीज आर सम ऑफ माइन यू कैन हैव लुक इफ यू यूट अदरवाइज लेट्स प्रोसीड यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू अस टूअमीज लर्निंग एप दिस एप इज फ्रीली अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल दिस एप

पर मंथ जो है पे करने पड़ेंगे लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आप दो साल का एक पैक ऑप्ट करते हैं विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हैं टेन परसेंट आपको डिस्काउंट मिलता है तो आपको सिर्फ थर्टीन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज पर मंथ देने होंगे यानी आपकी मंथली कॉस्ट पांच गुना तक कम हो जाती है अगर आप विपिन नाम का कोड अप्लाई करके सबसे बड़ा वाला पैक लेते हैं इसके साथ आपको एडिशनल गिफ्ट भी मिल जाते हैं उसके लिए आपको करना क्या होगा यू जस्ट नीड टू अप्लाई द कोड विपिन यू हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ वन एंड टू इयर्स एंड यू नीड टू सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स जो कि मैं आपको लास्ट स्लाइड में दिखा दूंगा इससे आपको मेरा एक साल का मेंटोरशिप पैक मिल जाएगा आपको मेरे सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे इन हैंड रिटन एंड इन टाइप फॉर्मेट आपको मेरी सारी असेंशियल मिल जाएंगी आपको मेरी काफी सारी डीपीपी शीट्स एंड क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस सो प्लीज मेक श्योर आप अपने नाम के कोड का यूज करें और अपने दोस्तों को भी इस कोड के बारे में जरूर बताएं प्रो फेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज क्योंकि यहां पर आपकी कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होती है हम लोगों ने चार फेज देखे थे जिनका नाम था पी मैट सो so, पहला आपका प्रो फेज है देन फेज, देन देन योर 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 मेटा फेज 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 एना एंड तो आज इसको हम लोग करने वाले हैं अगर आप इनिशियली देखें तो आपका इंटरफेज जो न्यूक्लियस रहता है उसके अंदर जो आपका मटेरियल रहता है न्यूक्लियर मटेरियल या फिर आप जिसे जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं वो आपका थोड़ा खुले खुले फॉर्म में प्रेजेंट रहता है यानी वो डीकंड रहता है अब इसको आपको क्या करना है इसको आपको वेल पैक करना है तो आप जब इस खुले हुए मटेरियल को जो कि यहां पर देखिए इस तरीके से दिखाई दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ सम स्ट्रैंड्स जब आप इसको पैक करना स्टार्ट कर देंगे तब जाकर अपने अल्टीमेट सुपर पैक्ड फॉर्म में आकर क्या हो जाएगा क्रोमोसोम का रूप धारण कर लेगा लेकिन इससे पहले आपका किस तरीके से प्रेजेंट है इससे पहले जो न्यूक्लियर मटीरियल है वो इस तरीके से स्ट्रैंड के फॉर्म में खुला हुआ प्रेजेंट राइट जो कि ज्यादा इलाका घेरता है लेकिन जब आप इसे पैक कर देंगे तो ये कंपैरेटिवली कम एरिया घेरेगा और इसकी कंडेंसेशन हो जाएगी so, में क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस माइटोसिस दीज आर जीवन जी टू इसके बाद आपका एम फेज आता है यानी सबसे पहले आपका फेज एंड साइटोकाइनेसिस ये आपका माइटोसिस हो गया राइट right? सो so, यहां पर देखो एस और जी टू के बाद आने वाले फेज को आप क्या कहते हैं प्रो फेज कहते हैं तो वो तो आपकी कॉमन सेंस है इन एस एंड जी टू आपका क्या होता है नए डीएनए मॉलिक्यूल्स आपके बनते हैं एंड आर नॉट डिस्टिंग नॉट डिस्टिंग बट आर इंटरवाइंड बने जो आपका पुराना था और उसके साथ साथ जो नया डी एन ए बना है इंटरवाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है तो प्रोफेज में क्या होना स्टार्ट हो जाता है मेरे दोस्त आपको प्रोफेज में अगर यू नो चीजों को कंडेंस करना पड़ेगा तभी जाकर आगे चल के वो क्या कर पाएंगे ठीक तरीके से डिवाइड हो पाएंगी सो so, प्रोफेज इज मार्क्निशियशन

यू uh, नो you know, जाने की डायरेक्शन जस्टिफाई हो जाती है मैंशन हो जाती है और ये चलना स्टार्ट कर देते हैं ये काम भी आपका प्रोफेस में स्टार्ट हो जाता है यानी आपकी चीजें अपोजिट पोल की तरफ जाने लगे हैं पहले तो आपको अगर क्रोमोसोम को अच्छे तरीके से बाइफर्केट करके अपोजिट पोल पर भेजना है उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा उसको पैक करना पड़ेगा क्योंकि जब ये पैक होगा तभी जाके आधा कटेगा आधा एक पोल पे चला जाएगा और बचा हुआ आधा दूसरे पोल पर सो so, इसका कटना बहुत जरूरी है उसके लिए पहले इसका पैक होना बहुत जरूरी है सो इट इज गोइंग टू पैक तो में पैकिंग स्टार्ट हो जाएगी प्लस आपको एनिमल सेल की डिवीजन देखनी है तो ये जो आपके से हैं इनका इस साइड में जाना जरूरी है एक का और दूसरा जो सेंट्रियल है उसका इस साइड में जाना जरूरी है सो so, ये भी अपनी जो गति है उसको बढ़ाते हैं और अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट कर देते हैं ओके बिगिन कर देते हैं अभी पहुंचे नहीं है पहुंचेंगे अगले फेज में अभी जाना स्टार्ट कर चुके हैं सो द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेस कैन बी दस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट यानी जब आपका प्रोफेस कंप्लीट होगा तो क्या क्या हो चुका होगा सेल में क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसिस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम आपका जो क्रोमोसोमल मटेरियल था जो पहले खुला पड़ा हुआ था अब उसे पैक करके क्रोमोसोम तैयार कर दिया गया है क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू चटैच एट द सेंट्रोमेयर यानी इसे आप सेंट्रोमेयर कहते हैं और सेंट्रोमेयर पे आपके दो क्रोमेटेड प्रेजेंट है आप देखो दोस्तों क्रोमेटेड में आपका ये जो वाला है आपका सेकेंड क्रोमेटेड है सो so, ये सेकंड क्रोमेटेड की फर्स्ट आर्म और सेकेंड आर्म तो ये आपका एक क्रोमेटेड हो गया यह आपका सेकेंड क्रोमेटेड होगा तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है कि एक सेंट्रोमेयर से आपके दो क्रोमेटेड अटैच होते हैं सेंट्रोसोम सोम विच हैड अंडरग्राउंड डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज यानी एस फेज में जब डीएनए एन रेप्लीकेट हुआ था उसके साथ साथ जो आपका ये सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल भी जो डुप्लीकेट हुए थे ये भी आपके क्या करेंगे द बिगिन टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल या अपोजिट पोल्स पर जाना स्टार्ट कर देते हैं ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रो ट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर्स ये जब अपने दूसरे पोल पर पहुंच जाएंगे तो ये आपके कुछ क्या करेंगे आपके एस्टर्स निकालने स्टार्ट कर देंगे जैसे स्पाइडरमैन कोई वेब फेंकता है सिमिलर तरीके से आपका क्या होगा ये जो सेंट्री से ये भी कुछ जाले फेंकेंगे जिनका नाम क्या होता है माइक्रो या फिर आप उन्हें बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स और ये स्पिंडल फाइबर जाके क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं और उनको अपोजिट डायरेक्शन में खींचना स्टार्ट कर देते हैं जिससे उनको सेग्रीगेट किया जा सके जिससे कि जब आपका सेल डिवाइड होगा तो बराबर जो है आपके क्रोमोसोम यू नो डॉटर सेल्स में भेजे जा सके सो द टू एस्टर्स टूगेदर विद स्पिंडल फाइबर्स

इस तरीके से आपका थोड़ा खुला खुला प्रेजेंट है लेकिन एंड में जब आप देखेंगे तो आपको ये कंडेंस फॉर्म में दिखाई देगा प्लस आपका यहां पर क्या होगा ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी देखो यहां पर साफ साफ तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंप्लीट लेकिन यहां पर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये आपकी डिसइंटीग्रेट होना चालू हो गई है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और कुछ आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स होती हैं जैसे कि आपकी ई आर जी सी वगैरह आपकी गायब होना स्टार्ट हो जाती है राइट सो आई होप दैट यू गॉट दिस वीडियो वेरी वेल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं सो दैट यू नेवर मिस मिसन अपडेट फ्रॉम नीट यू जी इन टेन और अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं देन यू कैन बेसिकली यूज द कोड विपिन टू टेक द अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जिससे आप मेरे लाइव बैच में पढ़ पाए एंड आप स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज सकते हैं जिससे मैं आपको अपने मेंटोरशिप बैच में भी एनरोल कर पाऊँ थैंक यू सो मच गाई इज ऑफ लव एंड आई कैच इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच